शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने जा रही है, दिल्ली से बड़ी जानकारी है। दिल्ली में चुनाव टिकटों पर मंथन होने जा रहा है, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। 23 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 39 दावेदार फाइनल 6 होल किए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव टिकटों पर मंथन होने जा रहा है, दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। 23 उम्मीदवारों के नाम होंगे शॉर्टलिस्ट, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 39 दावेदार फाइनल हुए हैं, तो वहीं 6 के नाम होल्ड किए गए हैं। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज एक विशेष बैठक होने जा रही है, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आ रहा है, दिल्ली में चुनाव टिकटों पर मंथन होने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्पर्श, जिस तरीके से 23 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट होने की बात सामने आ रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए बिल्कुल, हिमाचल विधानसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर आज स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होती हुई नजर आएगी। दोपहर 3 बजे जो है कांग्रेस वॉर रूम में दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 22 सीटों पर जो बची हुई 22 सीटें हैं उस पर जो है मंथन यहाँ पर किया जाएगा। और इन 22 सीटों के संदर्भ में जानकारी है कि जो पैनल तैयार किया गया है वो चार चार नामों का पैनल जो है इन 22 सीटों पर जो है तैयार किया गया है कि कौन कौन दावेदार यहाँ पर होते हुए जो है नजर आ सकते हैं, और उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट जो है पैनल को किया जाएगा और फिर ये नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति को जो है भेजे जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि एक औपचारिक लिस्ट जो पिछले कई समय से पेंडिंग जो हिमाचल कांग्रेस की टिकट वितरण को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, वो कभी भी जारी होती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, कुछ नाम अभी तक सामने आए हैं क्या? देखिए अभी नाम जो है निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से पिछली बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की उसमें 46 सीटों पर जो है मंथन कर लिया गया था और जो नाम है वो फाइनलाइज कर लिए गए थे, जिसमें जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट ना काटने की बात जो है सीधे तौर पर कही गई थी। इसके अलावा जो प्रायोरिटी लिस्ट में लोग रहेंगे उसमें जो पूर्व अध्यक्ष हैं या फिर अध्यक्ष हैं या फिर जो लोग 3000 से कम वोटों से हारते हुए नजर आए थे उनको प्रायोरिटी पर रखने की बात जो है कही गई थी। और सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट जो है जारी ना हो रही हो बेशक, लेकिन उन लोगों को जो है फोन करके बता दिया गया है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है अब से शुरू कर दीजिए ताकि किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति जो है बाद में जो है ना देखने को मिलती हुई नजर आए। स्पर्श, बैठक कितने बजे शुरू हो जाएगी? देखिए इस बैठक की बात करें तो दिल्ली में दोपहर 3 बजे कांग्रेस वॉर रूम में बैठक होती हुई नजर आएगी। और इस बैठक की अगर बात करते हैं तो जो बची हुई जो सीटें हैं जिसमें 22 सीटों की नाम है, सदर, भोजंग, चुराहा, इंदौरा, शाहपुरा, सुलह, ऐसी ये सीटें हैं जहां पर जो चर्चा है वो जो है होती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर अगर बात करें तो इस बैठक में जो प्रतिभा सिंह है कांग्रेस के अध्यक्ष वो जो है शामिल होती हुई नजर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्कू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत अन्य लोग जो है वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, दिल्ली में चुनाव टिकटों पर मंथन होने जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा, 23 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आपको ये भी जानकारी दे रहे कि 39 दावेदार फाइनल हुए हैं, 6 के नाम अभी तक होल्ड किए हुए हैं। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, दिल्ली में चुनाव टिकटों पर मंथन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी।